आपने, कई वक्ताओं ने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं, तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूं, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूं। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है जो सिर्फ मेरी शक्ल, उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे, तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूं। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना, और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूं आपसे वो सच बात हो, वो सही बात हो, और वो आपके लिए ही बात हो जो आपको आगे बढ़ा पाए, और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी, अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे।